नमस्कार दोस्तों, प्रिंस डीटीएच इन्फो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील है दोस्तों। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आज डीटीएच फ्री टूर वाले जितने भी रो मटेरियल है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा, और मैं कुछ आइटम लेके आया हूँ उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये कुछ मैं MPG 2 बॉक्स लेके आया हूँ, एनटेक्स के बॉक्स हैं। पिछली बार भी मैं करीबन 15-20 बॉक्स लेके आया था, और इस बार मैं करीबन 10-12 बॉक्स लेके आया हूँ। मुझे इंटेक्स की क्वालिटी अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार बार यही लेता हूँ। दूसरे बॉक्स मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इतना सारा रॉ मटेरियल मैं लेके आया हूँ आज डीटीएच का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पावर सप्लाई। ये मैं DTH की पावर सप्लाई और DTH का कार्ड लेके आया हूँ। 2028 का कार्ड है, अच्छी क्वालिटी में है। दो तीन पीस ये लेके आया हूँ, और ये DTH की सप्लाई पावर सप्लाई है, जो दो पीस में ये लेके आया हूँ। ऑलरेडी मेरे पास पहले पड़ी है। और ये एक RF रिमोट है, ये आपको पता ही है, महंगा मिलता है मार्केट में। और ये सॉलिड की LNB है, सबसे बेस्ट LNB यही लगती है। और ये है वॉल माउंट, ये वॉल माउंट लेके आया हूँ। ये सेटअप बॉक्स के स्टैंड है, ये भी मैं 5 पीस ये लेके आया हूँ। और ये ऑडियो वीडियो केबल है, ये 25 पीस लेके आया हूँ मैं, अच्छी क्वालिटी की है। और DTH के कुछ रिमोट है, डिश टीवी के रिमोट अच्छी क्वालिटी में है, टाटा स्काई के रिमोट। इसका प्लास्टिक मटेरियल अच्छा है। ये वीडियोकॉन के नॉर्मल वाले जो बॉक्स है वो इसके रिमोट है। ये एयरटेल के रिमोट है, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं। और ये मैं सोल्डिंग आयरन लेके आया हूँ, एक आता है नॉर्मल हल्का, और ये है थोड़ा भारी वाला, 25 वाट का आयरन है सोल्डिंग वायर। हल्का एक बार लाओ भारी एक, हल्का बार बार लाओ भारी एक बार लाओ। ये मैं लेके आया हूँ इस बार न्यू डिजिटल मल्टीमीटर। मैं इसका आपको अगले वीडियो में इसका मैं पूरा अनबॉक्सिंग करके और चला के बताऊँगा। इसको हाल फिलहाल मैं अभी लेके आया हूँ, इसको मैं खोल के आपको चेक करके बता देता हूँ। जो पीले कलर के मल्टीमीटर रहते हैं उससे बेस्ट है ये, उससे 2 गुना 3 गुना बेस्ट है ये। इसका अगला वीडियो मैं जल्द आपको पेश कर दूंगा। DT33D मल्टीमीटर के नाम है, और बिल्कुल छोटा है, हथेली के बराबर, हथेली में रख सकते हो आप, इतना छोटा है। और ये लेके आया हूँ मैं दो तोरण गोल्ड LED, जो फिक्सल LED जो शादियों में लगती है, उसका कंट्रोलर लेके आया हूँ मैं दो। ये तकरीबन मेरे को 450 रुपये का एक पड़ा है, ये कुछ सेल्स लेके आया हूँ। अगली बार मैं LED फिक्सल LED का मैं वीडियो बनाऊँगा। ये DTH DVB के रिमोट लेके आया हूँ, एक बेस्ट क्वालिटी के लाया हूँ, एक थोड़ा रो क्वालिटी के है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं। और ये दूसरे DVB के रिमोट जो IR LED के साथ में हैं, 25 पीस ये लेके आया हूँ, 25 पीस वो ब्लैक वाले लेके आया हूँ। और एक ये मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, और ये डेड मीटर की AV केबल है, AC केबल सॉरी।
और कुछ HDMI केबल, कुछ टेप रोल और ये मैं इजी कैप लेके आया हूँ। इससे पहले मैं सेटेलाइट सेट करता था और ये स्क्रू और डोबली जो DTH डिश लगाने में काम आती है ये, और कुछ टाई केबल्स ले गया हूँ करीबन 300 पीस है, एक में 100 पीस आते हैं। और इसके अलावा एक मोस्टिको रॉकेट बैट लेके आया हूँ, यह तो नॉर्मल ही है। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं ये सामान आज लेके आया हूँ आपको। मैं वो सॉलिड LNB का खोल के मैं बता देता हूँ, मुझे सबसे बेस्ट LNB सॉलिड की लगती है। क्योंकि इसका जो प्लास्टिक कंप्लेन हमेशा ये आती है कि LNB में आगे वाला ढक्कन टूट जाता है, पर सॉलिड के अंदर ये है कि इसका प्लास्टिक इतना मजबूत है ये टूटता नहीं है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, पर ये प्लास्टिक आगे से ख़राब नहीं होता है। ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी की है। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ बॉक्स के ऊपर। फ्रीडम इसमें 3 एंगल लगा हुआ है, फ्रीडम जो होता है उसके अंदर जो गोले होती है वो 3 आकार में है, जिससे क्वालिटी बारिश के अंदर भी अच्छी सिग्नल पकड़ सके। ये मैं इतना रो माल लेके आया हूँ DTH का। दोस्तों, आपको इन सभी रो माल में कौन सा आइटम अच्छा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कौन सी चीज़ आपके वहाँ मार्केट में नहीं अवेलेबल है वो भी मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।